हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे राजा अजीत की अपडेट्स के बारे में। इन्होंने अपने इंस्टा पर ये पोस्ट शेयर किए हैं जिसमें आप इनकी ओवरऑल बॉडी तो नहीं देख पाओगे, पर शोल्डर एंड बाइसेप्स को देखकर इनकी करंट कंडीशन को नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले से डाउन साइज दिख रहे हैं एंड बॉडी सॉफ्ट भी है। तो फ्रेंड्स, राजा अजीत के इन अपडेट्स को देखकर तो लगता है कि इन्होंने मुंबई के बाद में अपने साइज में कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं किए हैं। एंड इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक बहुत ही ज्यादा यूज्ड बॉडी बिल्डर है और अपने साइज को कब बढ़ाना है और कब घटाना है ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया इसके बारे में। जैसे ही इनकी तरफ से कोई भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ भाई, ये कॉम्पीट कर सकते हैं दिल्ली प्रो शो में। इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। इनके बाद हम बात करेंगे भुवन चौहान भाई के बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने अपने इंस्टा पर यह पोस्ट शेयर की है और इसके कैप्शन में इन्होंने लिखा है कि ये मेरा सबसे बेस्ट वर्जन था जो इन्होंने इंडिया के मुंबई प्रो शो में दिखाया था। एंड इसी पोस्ट के नीचे एक लड़के ने कमेंट किया, क्या तुम अर्नोड क्लासिक खेलोगे। तो इन्होंने रिप्लाई में 2024 के अर्नोड क्लासिक के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि अर्नोड क्लासिक में वे ही बॉडी बिल्डर्स कॉम्पीट कर पाते हैं जिन्हें इन्विटेशन मिलता है। तो क्या 2024 के अर्नोड क्लासिक का इन्विटेशन मिल पाएगा भुवन भाई को? आपके इसके बारे में जो भी ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो गाइस, इनका नाम है हरीश कुमार और इन्होंने सफी सेमी क्लासिक में कॉम्पीट किया था मेंस फिजिक कैटेगरी में, और इन्होंने वहाँ पर अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल के साथ साथ यहाँ पर ओवरऑल टाइटल जीत लिया है। तो आप हरीश भाई के लिए कमेंट बॉक्स में मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखें। एंड बात करें इनकी बॉडी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था एंड बॉडी बहुत ही इम्प्रेसिव दिख रही थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, हमारी अगली अपडेट आई अली बिलाल की तरफ से। आप ये तो जानते होंगे कि इन्होंने 2022 में 3 प्रोस को जीतकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था जिनमें से एक प्रोसो इम्प्रो क्लासिक भी था। तो गाइस, अब ये दोबारा से इसी कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या इस प्रोस को जीतकर अली बिलाल क्वालिफाई कर पाएंगे 2023 के मिस्टर ओलंपिया के लिए। मेरे हिसाब से आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि अब की बार ये टॉप 10 में आए थे ओलंपिया में, जो कोई छोटी बात तो नहीं है। तो गाइस, इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इनके बाद हम बात करेंगे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन ब्रॉन एंजले की अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि ये कॉम्पीट करते हैं क्लासिक फिजिक में, पर अब इन्होंने क्लासिक से स्विच कर लिया है 212 कैटेगरी में। इसका रीजन इन्होंने बताया कि अब ये अपनी बॉडी को क्लासिक के हिसाब से और भी ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते एंड अब इनकी प्लेसिंग भी गिरती जा रही है ओलंपिया में, जो आप 2-3 सालों से लगातार देखते आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आप इनकी 212 कैटेगरी में स्विच करने के बाद की फिजिक अपडेट देख सकते हो कि ये प्रेजेंट टाइम में कैसे दिख रहे हैं। अभी तो इनका ऑफ सीजन चल रहा है और अपनी बॉडी में मसल मास ऐड करने में लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको इनकी ये अपडेट कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इस बार एक किसी प्रो शो में 212 कैटेगरी से क्वालिफाई हो सकते हैं ओलंपिया के लिए? ये तो भाई कंपटीशन के दिन ही पता लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।